तो क्या हालचाल? आज बात करेंगे एक छोटा सा मुद्दा, एक छोटी सी चीज जो एक्चुअली में इंडिया को बना सकता है सुपर पावर। क्यों हम उसके बारे में बात नहीं करते हैं, क्यों हमें बात करना चाहिए, और क्या हैं ऐसे नंबर्स जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए और जिससे एक्चुअली में हमारी आंखें खुली रह जाएगी। आज हम बात करेंगे फुटपाथ के बारे में। जी हाँ, जो आप सुबह शाम जाते आते कभी भी यूज़ करते होंगे, जो आपको दिखता नहीं होगा लेकिन हम चाहते हैं यूज करें। तो कैसे इंडिया बन सकता है सुपर पावर फुटपाथ से? जी हाँ, ना कि आपके जो मेगा स्ट्रक्चर्स हैं, बड़े बड़े हाईवेज जो बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, फ्लाईओवर, मेट्रो, इनसे नहीं, फुटपाथ ज़्यादा ज़रूरी है इन सब चीज़ों से। ये मैं आगे बात करूंगा और स्टेट्स भी बताऊंगा और क्यों आने वाले चुनावों में ये बहुत बड़ा मुद्दा होना चाहिए। हम छोटे मोटे आलतू फालतू चीज़ पर बात करते हैं लेकिन इस पर बात नहीं करते हैं, जबकि महंगाई से भी ज़्यादा इस पर ध्यान देना चाहिए। तो चलिए देखते हैं आगे। अगर मैं कुछ नंबर्स के बारे में बात करूं तो लगभग 4.5 करोड़ लोग इंडिया में चल करके काम पे जाते हैं और 45% जितने भी एक्टिविटीज़ होती है ऑफिस जाने के लिए वो चल करके ही होती है। मतलब जो भी कम्यूट होता है वो 40% वो चल कर होता है, बाकी हो सकता है बस है, प्राइवेट व्हीकल्स, मेट्रो, जो भी। 30% इंडियन सिटीज़ में जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं वो पेडेस्ट्रियन इन्वॉल्व रहते हैं, चलने वाला इन्वॉल्व रहता है। और 70% इंडियन सिटीज़ में ऑलमोस्ट दे आर नॉट वेल इनफ और सफिशेंट इनफ कि वहाँ पर फुटपाथ हो या चलने की अच्छी व्यवस्था हो। 70% लैक करते हैं ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आप बोलेंगे ठीक है तो क्या हुआ, लेकिन आप नंबर्स देखिए। अगर हम दिल्ली में आए तो ये और भी ज़्यादा डेंजरस साउंड करने लग जाता है। मैं तो यहाँ पर पूरे इंडियन सिटीज़ की बात कर रहा था। तो बहुत अच्छी रिपोर्ट है, आप पढ़ सकते हैं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा और DDA द्वारा। तो 34% जो डेली पर्सन ट्रिप्स होते हैं वो सिर्फ चल करके ही होते हैं, ठीक है। और 58% जो है वो एजुकेशन ट्रिप्स होते हैं और 31% जो हैं वो बिजनेस या सर्विस ट्रिप होते हैं। तो इतने आप यहाँ पर बहुत ध्यान रखें कि 58% एजुकेशन में होते हैं, ठीक है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। और जो 50% हैं जो मेट्रो यूजर्स होते हैं वो भी चल करके आते हैं, मतलब वो चल करके मेट्रो आए, फिर उतरे, फिर चल करके अपने ऑफिस गए। तो ऑलमोस्ट आधे लोग ऐसे होते हैं। और 77% जो भी अर्बन पुअर होता है वो चल करके ही अपने काम पे जाता है। 60% जितने भी ट्रिप्स दिल्ली में होते हैं वो 4 किलोमीटर से कम होते हैं और 80% जितने भी होते हैं वो 6 किलोमीटर से कम होते हैं। और ऑलमोस्ट 40% दिल्ली के रोड में कोई भी फुटपाथ नहीं है। इससे भी ज़्यादा भयानक स्टैट है कि दिल्ली में जितने भी एक्सीडेंट होते हैं उसमें 44% चलने वालों की होती है। अगेन बहुत बड़ा नंबर है। तो ये था बहुत ही अलार्मिंग स्टैट्स, राइट? तो दिल्ली में आप सोच सकते हैं कि इंडिया का कैपिटल है तो सब चीज़ अच्छा होगा, लेकिन 40% रोडों में बिल्कुल फुटपाथ है ही नहीं। ये जो आप फुटपाथ देख रहे हैं ये है शिबुया जापान का, बहुत फेमस फुटपाथ क्रॉसओवर है। आप क्या इंडिया में ऐसा देखते हैं? ना के बराबर। आपको फुटपाथ ही नहीं दिखेगा तो इस तरह के क्रॉसओवर की तो बात ही छोड़िए। और मैं छोटे मोटे सिटीज़ की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, इवन कैपिटल्स, जैसे मैंने अभी दिल्ली का स्टैट दे दिया, मुंबई का भी लगभग कुछ ऐसे ही पाएंगे। भले आप मूवी में सुनते हैं कि फुटपाथ में गाड़ी चढ़ा के जो फुटपाथ में सो रहे थे वो मर गए, लेकिन फुटपाथ भी देखने को बहुत कम मिलते हैं। मिलेंगे तो बहुत कम चौड़े होंगे, या तो उसमें डस्टबिन होगा या कचरा होगा या खंबे गड़े होंगे या पेड़ है, मतलब सफिशेंट स्पेस नहीं रहेगा चलने के लिए। तो ये बहुत बड़ा एक रिस्क फैक्टर है। अब मैं जो आपको बता रहा था कि कैसे आप एक्चुअली में सुपर पावर बन सकते हैं सिर्फ पेडेस्ट्रियन से, राइट? तो देखिए फुटपाथ क्यों इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको नंबर बताया कि जो नंबर्स है वो अलार्मिंग है। जो मेजॉरिटी है जो रोड या बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर आपके सिटी को ट्रैवल कर रही है वो चलने वाले हैं, ना कि प्राइवेट व्हीकल्स। और सेकेंड नंबर पे एक्चुअली में आता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो, बसेस, ये सब। तो आपका मेजॉरिटी पॉपुलेशन तो चल के जा रहा है और उसके लिए क्या सुविधा है? लगभग कुछ भी नहीं।
बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अमेरिका, यूरोप, अगर आप देखेंगे तो बहुत इज्जत होती चलने वालों की, या जो साइकिलिंग करते हैं, मतलब सिग्नल्स रुक जाते हैं, कोई हिलता डुलता नहीं है, अलग से सिग्नल भी होता है उनके लिए चलने के लिए। इंडिया में ना के बराबर है। आप बहुत कम पाएंगे कि सिर्फ ज़ेब्रा क्रॉसिंग के लिए या पेडेस्ट्रियन को क्रॉस ओवर करने के लिए सिग्नल लगा हो, ना के बराबर। बहुत कम जंक्शंस में होंगे ऐसे, बहुत कम चौराहे में ऐसा होगा। और यहाँ पर अधिकतर जो चलने वाले हैं उनको खुद रास्ता निकालना पड़ता है, इधर उधर जा करके, कूद काद करके, इस गाड़ी से उस गाड़ी से, और ऑब्वियस ऐसे सिचुएशन में एक्सीडेंट्स होगा ही। तो डेमोक्रेसी यानी कि बोलते हैं कि मेजॉरिटी का गेम होता है, लेकिन यहाँ पर मेजॉरिटी के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। बच्चे, बूढ़े, इस पर सबसे ज़्यादा रिस्क होता है इन पर। तो अगर आप मॉर्निंग वॉक जा रहे हैं छोटे बच्चे को लेकर के, बहुत डेंजरस है, आपको मिलेगा ही नहीं। मैं जहाँ रहता मैं वहीं की बात कर रहा हूँ कि लगभग ना के बराबर फुटपाथ हैं तो चलने लायक नहीं, बहुत कम एरिया में, छोटे छोटे डिस्टेंस में है। तो बहुत रिस्की होता है कि आप छोटे बच्चे को लेकर के मॉर्निंग या इवनिंग वॉक में चले जाएं। बूढ़ों की तो बात ही अलग है, आपको लिटरली रोड पर ही चलना पड़ता है। और आप रिलेट कर सकते हैं, आप बताइए कि आपके सिटीज़ में आप कितना फुटपाथ पाते हैं, उसके कंडीशंस क्या हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तब पता चलेगा बाकी लोगों को कि इंडिया के इन सिटीज़ में क्या चल रहा है। ऐसा क्यों होता है कि इंडिया में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया? तो थोड़ा बहुत तो सरकार करती है, लेकिन प्लानिंग, जब सिटी प्लान चलता है तो पता नहीं फुटपाथ का सेगमेंट ही गायब रहता है, वो इस पर ध्यान नहीं देते हैं। वो ये देखते हैं कि हाईवे बन रहा है, एक्सप्रेसवे बन रहा है, लेकिन सिटी के अंदर क्या चल रहा है। जो अधिकतर यूज़ कर रहे हैं वो तो ये सब यूज़ भी नहीं करने वाले हैं। आपके 25% के लिए आप पूरा देश बना दे रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इनका ज़्यादा GDP में कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट 50-60% लोग, ऑलमोस्ट 70% लोग चल करके काम करने जा रहे हैं, तो कुछ तो कंट्रीब्यूशन होगा, ऐसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। और इंडिया को एक्चुअली में रोड एक्सीडेंट से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ऑलमोस्ट 2-3% लॉस होता है GDP। तो आप चलने वाले का सोच लीजिए, मान लीजिए 1% भी लेते हैं तो 1% GDP आप लॉस कर रहे हैं बिकॉज आपके पास प्रॉपर फुटपाथ नहीं है। जितने लोग दिल्ली में मात्र मरते हैं, दिल्ली में लगभग मान लीजिए 2 करोड़ पॉपुलेशन, तो जितने लोग दिल्ली में मरते हैं चलने वाले, उससे कम पूरे जापान में मरते हैं, उससे कम। और जापान की पॉपुलेशन लगभग 12-14 करोड़ है। तो आप समझ सकते हैं कि हम कहाँ पर हैं। और मैं इसलिए दिल्ली इसलिए एग्जांपल लिया हूँ कि थोड़ा कंपेयर कर सकते हैं भाई, क्योंकि दिल्ली कैपिटल है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़ है इंडिया का, तो इसीलिए कंपेयर करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि कितना बुरा हाल है। फिर जो फुटपाथ जो भी बने रहते हो तो ऑब्वियस एनक्रोच कर लिया जाता है। हमारे सोसाइटी के बहुत अच्छा नियम है कि आपको थोड़ा सा जो स्पेस मिलता है ना रोड के किनारे किनारे, तो वो क्या है, उसमें गार्डन बना लेंगे, है ना, मतलब वो अपना हिस्सा ही समझ लेते हैं। और जो भी फुटपाथ का एरिया है, फुटपाथ तो सरकार बनाती नहीं है या सिविल बॉडी बनाती नहीं है, तो खाली पड़ा रहता है तो वो अपना गार्डन मतलब अपने अंदर ही ले लेते हैं। तो ऑलमोस्ट 10-15-20% तो ऐसे ही होता है सोसाइटीज़ में, तो मेजॉरिटी लोग ही पूरा एनक्रोच कर लेते हैं। फिर मेंटेनेंस, मान लीजिए बन भी गया है तो अधिकतर वो पेव ब्लॉक्स रहते हैं, वो टूटने लगते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, और उसका कोई मेंटेनेंस नहीं होता है, और धीरे धीरे वो लिटरली गायब हो जाता है। मानसून में बारिश आई, कीचड़ आया, वहाँ पर घास फूस सूख गए, और फिर आपको अचानक दिखना ही बंद हो गया कि यहाँ पर फुटपाथ भी था कि नहीं। यहीं पर मैं चाहता हूँ कि हमें ये पहली बात तो इसे बहुत इम्पोर्टेंस देना चाहिए। जितना ही इम्पोर्टेंट आपके लिए बिजली है, घर है, हाईवेज़ है, मेट्रो है, उतना ही इम्पोर्टेंट ये भी है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपको घर या बिजली नहीं मिलता है तो भी आप एक बार मरेंगे तो नहीं, लेकिन अगर आपको फुटपाथ नहीं मिलता है तो आप मरेंगे ज़रूर। तो जैसे कि मैंने बताया, लगभग 45% लोग जिनका एक्सीडेंट होता है और मरते हैं वो चलने वाले होते हैं। तो यहाँ पर लिटरली आप अपने जान से हाथ खो बैठ रहे हैं अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो। इसीलिए हमें चाहिए कि ये मुद्दा होना चाहिए। बाकी जो मुद्दे हैं उसमें आपकी जान नहीं जाएगी, थोड़ा बहुत आप मैनेज कर लेंगे, महंगाई आप मैनेज कर लेंगे, इवन अनएम्प्लॉयमेंट भी आप मैनेज कर लेंगे। नौकरी नहीं है तो चलिए जी तो लेंगे, लेकिन यहाँ पर तो बेचारे जिनके पास नौकरी है, जो GDP को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, आप लिटरली काम करने वालों को खो रहे हैं। जनरली
ये वर्किंग पॉपुलेशन है जो मर रही है, प्लस आप जो हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहे हैं, है ना। हम रोड में चलना पड़ता है, जस्ट बगल से गाड़ियां निकल रही हैं, धुआं निकल रहा है, और क्योंकि पेडेस्ट्रियन वॉक उतने अच्छे नहीं है, सेफ नहीं है, चलना फिरना उससे कई प्रॉब्लम हो सकती है, गार्बेज पड़े हुए हैं उससे प्रॉब्लम हो सकती है, तो एक हेल्थ कंसर्न भी है। तो आप लिटरली एक सिटी को लिवेबल जो बोलते हैं ना, उसका उल्टा बना रहे हैं, अनलिवेबल। रह नहीं सकता है आदमी, चल नहीं सकता है सुकून से। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो सिटी है वो वॉकेबल होना चाहिए और साइकिलेबल होना चाहिए, मतलब साइकिल वाइकल से भी चलाया जा सकता है। इंडिया में आप कितने सिटीज़ पाएंगे जहाँ पर आप साइकिल से काम करने जा सकते हैं? इतना ज़्यादा रिस्की लगेगा आपको, क्योंकि एक तो साइकिल के लिए कोई अलग पाथ नहीं है, फुटपाथ भी नहीं है, तो चलना भी डेंजर है, यहाँ साइकिल चलाना भी डेंजर है। जो आप जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, आप देखेंगे कि वो किस पर फोकस कर रहे हैं, वो पूरा फोकस कर रहे हैं कि पॉपुलेशन आपकी साइकिल चलाए, चले। इससे आपके देश को, इकोनॉमी को तो फ़ायदा होगा ही होगा, क्योंकि पहला मरेंगे कम लोग, प्लस साइकिल यूज़ कर रहे हैं तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, आपको कारें कम, आपको पेट्रोल डीजल कम खरीदना पड़ेगा, मतलब बहुत सारे फ़ायदे हैं ओवरऑल देखा जाए तो। हमको लगता है ये छोटा सा फ़ायदा है, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। और इसीलिए जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अब उनका पूरा फोकस है कि वो फुटपाथ पे, साइकिल वाले रोड पर, और ऐसे जोन बनाए अपने सिटीज़ में जहाँ पर व्हीकल ही ना जाए, जिनको नो व्हीकल जोन बोलते हैं। वो बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट है अब वेस्टर्न कंट्रीज़ में, इंडिया में तो बहुत कम है। आप अपने शहर में जाइए, आप ढूंढिए ऐसे कौन सा जगह है जहाँ पर गाड़ी, स्कूटी, मोटरसाइकिल अलाउड ना हो, ना के बराबर, और होंगे भी तो जो उनका जो स्ट्रेच होगा, जो एरिया होगा, वो ना के बराबर होगा, बहुत कम। तो हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे जोन बनाएं, नो व्हीकल जोन, जहाँ पर हम चल सके सुकून से, बिना डरे सहमे और सिटी का फ़ायदा उठाते हुए। आपका टूरिज्म भी बढ़ेगा, आपके लोग भी खुश रहेंगे, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, एनवायरनमेंट भी सुधरेगा, हेल्थ भी सुधरेगा, मतलब अनलिमिटेड रिस्क है, सॉरी अनलिमिटेड फ़ायदे हैं इसके, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं देता। तो गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए, साथ ही साथ जो कम्युनिटी है, हम अपने जो लोकल बॉडीज़ हैं, पार्षद हैं, उनसे ये मुद्दे उठाने चाहिए कि ठीक है आप गार्डन बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, लेकिन गार्डन तक जाने के लिए हमें चलने के लिए रास्ता भी तो बनाओ। आप हाईवे मेट्रो बना रहे हैं, मेट्रो तक जाने के लिए, चलने के लिए रास्ता तो बनाओ। तो ये मुद्दे हमको उठाना चाहिए, सरकार से भी, एज अ कम्युनिटी भी हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि जो हमारा सिटी प्लान हो रहा है उसमें ये एक्चुअली में ये पेडेस्ट्रियन वॉक, फुटपाथ और साइकिल के लिए कुछ प्लानिंग की गई हो। तो एंड में मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर हमें एक हेल्दी और ब्यूटीफुल कंट्री बनाना है, प्लस डेवलप्ड कंट्री बनाना है, तो अब वो ज़माना गया कि गाड़ी और ये सब चीज़ पर फोकस किया जाए। मात्र 25-30% लोग प्राइवेट व्हीकल यूज़ करते हैं, एक्सप्रेस वे यूज़ करते हैं, आपके प्राइवेट व्हीकल यूज़ करते हैं, लेकिन आप जितनी भी सुविधाएं आसपास पाएंगे उनके लिए है, एक प्रकार से अमीरों के लिए कह सकते हैं। जो नॉर्मल जनता है, जो देश की जनता है, उनके लिए कोई ज़्यादा सहूलियात नहीं है। आप देखेंगे गवर्नमेंट है बहुत सारी स्कीम लाती गरीबों के लिए, मिडिल क्लास लोग के लिए, कभी सिलेंडर के दाम कम या फ्री में दे रही है, या 1,000 रुपये महीना दे रही है, घर बनवा के दे रही, टॉयलेट बनवा के दे रही है, ये सब ज़रूरी है, लेकिन इनसे भी ज़्यादा ज़रूरी है चलने के लिए रास्ता, क्योंकि उससे हमारी जाती है जान, अगर वो नहीं है तो जान चली जाएगी। टॉयलेट नहीं है, मैनेज कर लेंगे, आप मरेंगे नहीं, लेकिन अगर रोड, अगर सेफ्टी प्रोवाइड नहीं किया जा रहा चलने वालों के लिए, तो उससे आज जान भी जाएगी और आपका सिटी उतना ही अनलिवेबल होता जाएगा और लोग इग्नोर करेंगे और बहुत सारे आपके डिट्रीमेंटल इफेक्ट होंगे। हम बस बोलते रहते हैं कि चलना फिरना चाहिए, घूमना चाहिए, चलने के बड़े फ़ायदे हैं, लेकिन आप चलने के लिए रोड तो दीजिए, रास्ते तो दीजिए, तभी तो आप वो फ़ायदा उठा पाएंगे। तो होप आप और सरकार इस पर जागरूक होगी और इस पर हम कुछ आगे करेंगे। थैंक यू, बाय।